हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी सादा ब्लाउज की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे आधा इंच, जो हमारा ये गला है यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे आधा इंच और यहाँ पे भी आधा इंच। तो पहले यहाँ से लेंगे अब देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच पे निशान लगाया है, तो इसको देखिए हमें कम करते हुए लेके जाना है इस तरीके से, क्योंकि प्लेट हमें शेप में डालनी है। अब इसको डबल करके यहाँ पे लेना है हमें 1 इंच और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। इस यहाँ पे भी आधा इंच लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए आरोमल की प्लेट है, तो यहाँ पे भी हम आधा इंच लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब देखिए हमारी चारों प्लेटें डल गई हैं और पफ भी अच्छा आया है इसका, क्योंकि हमने नीचे की साइड 1 इंच लिया है। अब इसमें हमें लगाना है तीरा। तो देखिए ये हमारा डबल तीरा है जो मैंने कटिंग में बताया था, इस तरीके से करना है। अब जैसे हमारा ये ब्लाउज है, तो ब्लाउज का जो तीरा है उतना ही हमें लगाना है। अब हम अपने तीरे की जो लंबाई है उस पर निशान लगाएंगे यहाँ से। आधा इंच लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा। इस तरीके से रखेंगे और इसको देखिए ऐसे करना है। अब देखिए नीचे की साइड हमारा तीरा लग गया है और जो कपड़ा यहाँ पे बगली की साइड तीरे का निकल रहा है उसको हम काट लेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड प्लेटें डालेंगे और तीरा लगाएंगे। जैसे हमारा ये दूसरा पल्लर है, तो इसको देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए हमारा ये सीधा है और ए भी सीधा है, तो यहाँ पे हमारा जो निशान है इसी के ऊपर प्लेट डालेंगे।
अब हमारा दूसरा पल्लर भी तैयार हो गया। अब इसमें लगाएंगे हम हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। उसकी अब देखो हमारी जो पट्टी की चौड़ाई है तो यहाँ पे 1.5 इंच है हुक वाली और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। काज वाली पट्टी है उसकी चौड़ाई 3 इंच है और यहाँ पे 1.5 इंच है। तो हमारा ये जो दूसरा डेढ़ा हाथ है यहाँ पे लगाएंगे काज वाली पट्टी और जो सीधा हाथ है उस पे लगाएंगे हुक वाली पट्टी। तो पट्टी को हम ऐसे डबल करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए पट्टी लगाने के बाद ये जो अंदर का कपड़ा है उसको ऐसे करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाई है क्योंकि ये पट्टी अच्छे से दब जाए और दिखाई ना दे। और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा लें और फिर इस सिलाई को निकाल लें। अब दोनों पल्लरों को हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के देखेंगे कि हमारा तीरा बराबर है। अब हम अपने ब्लाउज से नापेंगे इसका गला। जैसे ही हुक वाली पट्टी है तो यहाँ से हम हुक वाली पट्टी नापेंगे और फिर इसका गला नापेंगे इस तरीके से। तो देखिए गला भी बराबर है। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अब जैसे ही हमारा पीछे का पल्ला है और ये प्लेट है तो हमें प्लेटें डालनी है। इसका निशान मैंने कटिंग में आपको बताया है। इसको भी हम यहाँ से 1/2 इंच लेंगे डबल करके और इसको कम करते हुए इस तरीके से डालेंगे। शेप में प्लेट डालनी है।
अब देखिए हमने जो पीछे का पल्लर है उसके ऊपर ये शोल्डर रख दिया है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच का कपड़ा दबाना है। अब देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब हम इसका कमर का नाप लेंगे। देखिए हमारे जो ब्लाउज से यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है कपड़े की, तो ये 2 इंच है। अब देखिए चेस्ट का नाप कैसे लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो पहला हुक लगा हुआ है इसको पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए चेस्ट बराबर है और कमर पे हमारा 2 इंच कपड़ा ज़्यादा है, तो हमें कमर पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके इसको ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी कमर से दोबारा से इसको नाप लेंगे। जो हमारा ब्लाउज है इस तरीके से नापना है। अब हम इसमें गले में पट्टी लगाएंगे, पाइपिंग और बाजू लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास इतना ही कपड़ा बचा हुआ है, जो आरूमल की कटिंग की थी उसका कपड़ा बचा हुआ है, और जो गले का कपड़ा था उसमें हमने हुक वाली और काज वाली पट्टी बना ली। तो अब हम इसमें से पट्टी निकालेंगे, तो कपड़े को हमें तिरछा करना है, तो यहाँ से कुन्ने से हम इसको ऐसे तिरछा करेंगे। अब हमने तिरछा करने के बाद इसको बीच में से काट लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई, हमें 1.5 इंच लेनी है।
अब देखिए पट्टी को कैसे जोड़ेंगे। इस तरीके की हमारी ये पट्टी है, तो इसको ऐसे रखना है। यहाँ पे कुन्ना नहीं है और यहाँ पे कुन्ना है, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे। अब देखिए हमारी ये पूरी पट्टी जुड़ गई है। अब गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो गले को तो हमने पहले नाप लिया है, तो गले पे पाइपिंग लगाने से पहले आपको अपना गला नापना है। तो मैंने गला नाप लिया है, एक बार और आपको नाप के बता दूं। जैसे हमारी ये काज वाली पट्टी है तो इसको ऐसे पकड़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये गला है आगे का और पीछे का। अब देखिए पीछे का छोटा है, तो पीछे का हम थोड़ा सा और काटेंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है, तो 1 इंच यहाँ से ऐसे गोलाई में कटिंग करनी है। अब देखिए बराबर कटा है। अब गले की जो पट्टी है यहाँ से हम इसको बराबर कर लेंगे। पट्टी को 1/2 इंच बाहर रखेंगे, गले पे लगाएंगे तो इसको 1/2 इंच हमें बाहर रखना है। आधा आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए हम गले पे पट्टी लगाएंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाएंगे और पट्टी को थोड़ा सा खींचेंगे, गले को खींचेंगे नहीं। आधा इंच हमें इधर की साइड भी पट्टी ज़्यादा रखनी है यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो अंदर का कपड़ा है उसको दबाते हुए सिलाई लगानी है और इस तरीके से पट्टी को करना है। अब देखिए पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब अंदर का जो कपड़ा है पट्टी का वो काट लेंगे।
एकदम। अब देखिए पट्टी का हमने कपड़ा काट लिया है और अंदर का कपड़ा भी अच्छे से दब गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आधा इंच कपड़ा है इसको ऐसे करेंगे और बॉन पट्टी बनाएंगे एकदम पतली। अब देखिए हमारे ब्लाउज की पाइपिंग लग गई है। अब यहाँ पे जो पीछे का पल्लर है बड़ा, तो उस पे तुरपाई करनी है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ से हमें ऐसे करना है और इसको अंदर की साइड दबाना है इस तरीके से। देखिए पीछे की साइड भी हमने कमर पे तुरपाई कर ली है और पूरा ब्लाउज बन के तैयार है। और इसमें बाजू लगाना बहुत आसान है, तो बाजू लगाना भी मैंने आपको बताया है, तो आप हमारे चैनल में देख लें बाजू कैसे लगाई जाती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अब देखिए हमारा पूरा ब्लाउज बन के तैयार है, और अगर आप पे बाजू लगाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल में देख लें, ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है, पूछना इंडियन टेलरिंग, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, तो उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।